वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर टिल इनफाइनाइट इज माइनस वन बाई टू कैसे सो so फर्स्टली हम ये मानेंगे कि लेट लेटस्ट अज्यूमड ऑल द थ्री इनफाइनाइट सीरीज आर कन्वर्जेंट कि हमने पहले अज्यूम किया था कि लेट द थ्री इनफिनिट सीरीज बी कन्वर्जेंट पर असलियत में ये तीनों सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है ये डाइवर्जेंट है सो so, आपको ये जानना है कि इसको असलियत में सॉल्व कैसे करते हैं

प्रॉपर हमारे जो व्यूअर्स है वो शायद स्टैंडर्ड टेन के आसपास ही घूमते तो इन लोगों को शायद ये नहीं समझ में आएगा पर मैं जितनी कोशिश जितना आसान भाषा में आपको ये समझा सकता हूँ इतना मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये इलेवन ट्वेल्थ वालों को जरूर जिसको जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा उसको जरूर समझ में आ जाएगा आ जाएगा ठीक है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हायर मैथमेटिक्स मतलब ये डिग्री और एमएससी में पढ़ने में आता है इसलिए वो भी आप जरूर ध्यान में रखें चलेगा बहुत छोटा सा वीडियो है बहुत आसान सा भी है ठीक है अभी क्या है ये हमारा रिमांड जीटा फंक्शन हो गया है अब हम क्या करेंगे कि जब हम z को माइनस वन पुट करेंगे तो रिमान zeta फंक्शन एट माइनस वन वन अपॉइन वन रेस ठीक है वन अपॉइंट टू रेस टू माइनस वन प्लस वन बाई थ्री रेस टू माइनस वन फिल इन्फिनिटी अब ये सारा माइनस वन माइनस वन में मतलब सब ऊपर चले जाएंगे इसलिए टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है तो हम रिमान zeta फंक्शन में से हमारा जो काम की सीरीज है हमको निकाल दे ये एक इनफाइनाइट सीरीज है अब जब इस सीरीज में हम माइनस वन रखते हैं तो हम हमको हमारी जो सीरीज है वो मिल जाती है वो क्या है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव तीन इन्फिनिटी ठीक है अब सवाल उठता है कि रिमान जीटा एट माइनस वन क्या होता है जे ये जो रिमान जीटा फंक्शन है उसकी माइनस वन पे उसकी वैल्यू क्या है तो उसकी माइनस वन पे वैल्यू है वो है माइनस वन बाय अब फ्रेंड्स आप सवाल उठाएंगे कि ये माइनस वन बाई ट्वेल्व कैसे आ गए बस वो आप इतना ही समझ लीजिए कि रिमान जीटा जो फंक्शन है ये जो फंक्शन है उसकी जो माइनस वन पे वैल्यू है वो माइनस वन बाय ट्वेल्व है बस आप इतना ही समझ लीजिए आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया ये रियल प्रूफ है इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो मिसलीडिंग या फॉल्स प्रूफ है आप सही बोल रहे हैं क्योंकि मैंने उसमें अजम्पशन ले लिया था या एक डाइवर्जन सीरीज है पर मैंने उसको कन्वर्जन सीरीज मान लिया था पर आप मैंने उस वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको अच्छे से जोन में आ जाएगा कि उसमें वैल्यू तो माइनस वन बाई ट्वेल्व ही आ रहा है मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है इस सीरीज की वो करेक्ट ही है बस वो जो मेथड थी वो सरासर गलत थी ये सही मेथड है बताने के लिए और इसमें ये मैटर हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम मैथमेटिकली एक करेक्ट बात कर रहे हैं उसमें हम मैथमेटिकली रॉन्ग बात कर रहे हैं बहुत गलत बात कर रहे हैं तो अगर कोई छोटा सा वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए